हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रजनी। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू गोभी की सब्जी की रेसिपी कुछ यूनिक तरीके से। तो इसमें हमने लिए आधा किलो गोभी और 3 मीडियम साइज के आलू। तो इसमें हम यूज करेंगे 3 प्याज, 3 टमाटर, 5-6 कलियां लहसुन की, 1 अदरक का टुकड़ा और 4 हरी मिर्च। अब हम टमाटर को काट लेंगे पहले, अदरक का टुकड़ा उसको छोटा छोटा काट लेंगे, लहसुन और हरी मिर्च इन सब का एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। हमने गोभी को काट के अच्छे से धो लिया है, इसी प्रकार आलूओं को भी काट के अच्छे से धो लिया है। अब हम कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में डाल लेंगे रिफाइन और अपने गोभी को और आलू को फ्राई करेंगे। हमारा रिफाइंड हो गया 1 ग्राम। अब हम इसमें डालेंगे गोभी, हमारे प्याज फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेंगे हम। इनको डार्क ब्राउन करना था हमें। इसी तेल में हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे। थोड़ा सा हींग डालेंगे। तेज पत्ता डालेंगे। दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। 1 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची डालेंगे। अभी इसे पक गए हैं, लाल हो गए। अब इसमें हम प्याज का पेस्ट जो हमने बनाया था वो डालेंगे। हमारे प्याज अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें टमाटर
मिर्ची और अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। जब तक हमारे प्याज टमाटर भून रहे हैं, जब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं, दही लेंगे, दही में डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/2 से कम थोड़ी हल्दी, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 3-4 मिनट ढक के पकाएं। अब हमारा मसाला पक गया है, इतना ऑयल भी रिलीज कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज फ्राई किए थे उनको क्रश करके, और वो डाल देते हैं। और थोड़ी सी कसूरी मेथी वो हाथों पे क्रश करके वो डाल देते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, सारी गोभियों पे अच्छे से कोटिंग आ जाएगी मसाले। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच सब्जी मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप पानी। इसको ढक देंगे कम से कम 4 से 5 मिनट इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पे। अब हम अपनी सब्जी को खोल के देखते हैं। ये तैयार हो चुकी है। गैस को कर देते हैं बंद। गार्निश के लिए सर्विंग के लिए तैयार।
आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।